फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करेंगे बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है बहुत सारे पोस्ट के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा। तो चलिए इसके डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में bmrc.co.in ये डालने के बाद आपको एक पेज खुलेगा, इस वाला ये पेज खुल जाएगा आपके सामने। और इस पेज पे आने के बाद आपको क्लिक करना होगा ये ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास सामने करियर, और करियर पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ होम के बाद करियर बना है, करियर के बाद ये पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मेंटेनर पोस्ट 134 134 पोस्टों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेंटेनर के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए 21 पोस्ट है और सेक्शन इंजीनियर के लिए 19 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से खुलेगा पेज, और नेक्स्ट जो पेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करना होगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मेंटेनर के लिए कर रहे हैं या जूनियर इंजीनियर के लिए कर रहे हैं या जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए कर रहे हैं या सेक्शन इंजीनियर के लिए कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेंटेनर के लिए कर, अगर आईटीआई तो मेंटेनर के लिए कर रहे हैं तो मेंटेनर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये रिफ्रेश होगा और इसके बाद नया पेज खुलेगा। इस तरीके से अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इत्यादि इसमें डालना होगा। और ये आईटीआई का जो ट्रेड है यहाँ पर दिखा रहा है, जो ट्रेड आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन और स्टेट और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालकर सबमिट करना होगा। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसको डिटेल्स में जानते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और इसमें हम बात करेंगे इसका जो स्टार्टिंग डेट है 3/1/2019 है, मतलब 3 जनवरी से शुरू है और इसका लास्ट डेट है 2 फरवरी 2019। तो 2 फरवरी से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इसमें टोटल जो पोस्ट की संख्या 174 है, जिसमें 134 है आईटीआई के लिए और बाकी डिप्लोमा और बीटेक के लिए है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि आपको कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, जो कर्नाटका का एक लैंग्वेज होता है कन्नड़ लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसको आना चाहिए। और इसमें आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और अंडरस्टैंड भी करने आना चाहिए, मतलब तीनों चाहिए, रीड, स्पीक एंड राइट, तीनों आप कर पाते इस लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पोस्ट के लिए, तो पहला पोस्ट है मेंटेनर के लिए और यहाँ पे जो सैलरी है 10,170 से लेकर 18,500 रुपये। और यहाँ पे जो आईटीआई में क्वालिफिकेशन मांग रखा है उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, फिटर, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मंसूरी कारपेंटरी, बिल्डिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इत्यादि पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सारे ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई किया तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए, आप जूनियर इंजीनियर के जो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जिसमें जो ब्रांच यहाँ पर लिख रखा है उसमें है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग इत्यादि ट्रेड से, इत्यादि ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके लिए डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 14,000 से लेकर 26,950 रुपया पे स्केल है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और 3 साल का आपका डिप्लोमा अगर आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन इंजीनियर के लिए, और यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर की जो सैलरी है 16,000 से लेकर 30,770 रुपये हैं, पे स्केल है ये। और यहाँ पे जो ब्रांच मांग रखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, और इसके बाद है टेली कम्युनिकेशन, इसके बाद अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन कंप्यूटर साइंस इत्यादि से अगर आपने बीटेक किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल जो सीटों की संख्या 174 है यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो कैटेगरी का जो वेटेज आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जो बंगलोर जो कर्नाटका के लोग हैं उन्हीं को ये जो आरक्षण मिलने वाला है।
और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट SCVT या NCVT, अगर ITI है NCVT से या SCVT से, दोनों से, तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और BTEC डिप्लोमा के लिए AICT से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, नहीं तो स्टेट बोर्ड ऑफ काउंसिल से होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और फ़ी जमा करने जो लास्ट डेट है 4 फरवरी है, इससे पहले आपको यहाँ पे फ़ी अप्लाई करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए थैंक यू सो मच।